अब तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या आपको अब भी लिखित में चाहिए कि स्वदेशी सामान खरीदने से देश का भला होगा? चाइना, जापान, US, ये सभी देश हमारे देश में इंपोर्ट करते हैं और हम सिर्फ इनके सभी आइटम्स को खुशी खुशी कंज्यूम करते हैं। क्या आपको अपने देश में बनाए गए सामान की कदर नहीं है? श्री रतन टाटा, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। इनसे आपका और मेरा कोई खून का रिश्ता तो नहीं है, पर इन्होंने देश की मदद ऐसे हालातों में की जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। 1500 करोड़ की सहायता राशि दान देकर इन्होंने बता दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है अपने देशवासियों के लिए। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। आपका एक छोटा सा प्रयास देश को आत्मनिर्भर बना सकता है। शुरुआत आज से ही करें। जो अब तक कुछ खरीद लिया है, कोई बात नहीं, अब आगे से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी। जब तक आपको स्वदेशी और विदेशी सामान में फ़र्क करना नहीं आएगा, तब तक हम और आप मूर्ख बनते रहेंगे। इसलिए मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड इंडियन है और कौन सा विदेशी। आपको टूथब्रश करना है कॉलगेट से, क्योंकि आपको अपने दांत चमकाने हैं। आपका देश चमके या ना चमके, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब से दंत कांति खरीद लेना यार, आपके दांत भी चमकेंगे और अपना देश भी। भाई साहब को शेव करनी है जिलेट से, क्योंकि चेहरे को भी तो चमकाना है, चाहे देश की चमक फीकी क्यों ना पड़ जाए। लेकिन अब से वीजॉन की शेविंग क्रीम खरीद लेना यार, इस देश को एक नई शेप मिलेगी। आपको नहाना है पियर साबुन से, चाहे देश मैला हो जाए। लेकिन अब से केश कांति और संतूर का साबुन खरीद लेना यार। आपको लेवाई के कपड़े खरीदने हैं, रौबदार जो दिखना है, चाहे देश गरीब हो जाए। लेकिन अब से रेमंड, सियाराम या फिर मुंबई डाइंग के कपड़े ज़रूर खरीद लेना, इसमें तुम ज़्यादा स्मार्ट लगोगे यार। आपको सैमसंग का महंगा फ़ोन चलेगा, लेकिन देश कैसे चलेगा इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अब से माइक्रोमैक्स या फिर लावा का फ़ोन खरीद लेना यार। अपने हाथ में केसियो की घड़ी में समय देखना है, लेकिन देश का समय कब बदलेगा इसकी चिंता किसी को नहीं। लेकिन अब से टाइटन की घड़ी पहन ले यार, तेरा भी वक्त बदलेगा और देश का भी। मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस जाने के लिए होंडा की कार ज़रूरी है। अपनी हैसियत का दिखावा जो करना है, जो काम श्री रतन टाटा ने इस देश के लिए किया है, उसका कर्ज हम और आप नहीं चुका सकते, पर उनका बनाया सामान तो एटलीस्ट खरीद ही सकते हैं। अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करके बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, ये सोचकर शॉपिंग कर ली, लेकिन देश घाटे में जा रहा है ये नहीं सोचा। अब से सिर्फ इंडियन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से ही शॉपिंग करना है यार। LG और सोनी के तो आपने बहुत प्रोडक्ट खरीद लिए, अब एक टाटा का भी प्रोडक्ट खरीद लेना यार, जिस पर बड़ा बड़ा लिखा हो अ टाटा प्रोडक्ट। पार्कर पेन से तो आपने बहुत लिख लिया, लेकिन देश की किस्मत नहीं बदल पाए। लेकिन इस बार नटराज पेन खरीद लेना यार, शायद तुम्हारे इस कदम से देश की किस्मत बदल जाए। कोका कोला और पेप्सी जैसे जहर को कब तक पियोगे? अब से अपने देश का अमृत पीकर देख लो ना यार। क्या तुम्हें अपने देश के पानी पर भी भरोसा नहीं है? अब से बिस्लरी का पानी पी लेना यार। नीम, हल्दी, चंदन को छोड़कर तुम क्यों केमिकल लगा रहे हो? ये सब छोड़ो, अब से सिर्फ पूरी तरह इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेना यार।